सेक्शन 169 निकालिए सीआरपीसी का, सेक्शन 169 देखिए ये क्या कह रहा है, रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट, सेक्शन 169, रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट। बहुत आसान चीज है, ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग बात को, हम पूरा सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है इस सेक्शन में। आपको सेक्शन का जो वो मोटा अक्षर लाइन है लिखा हुआ उसी से समझ में आ जाएगा किस बारे में बात कर रहा है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी, हम लोग इन्वेस्टिगेशन टॉपिक चैप्टर के अंदर हैं, तो अगर ये क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान अगर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का अगर उसको ये लगता है कि देयर इज नो सफिशियंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड, ना तो इस तरह से कोई पुख्ता सबूत उसको मिलता है, ना उसको कोई ठोस कारण मिलता है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि इस पर शक किया जा सके, उसको उस पर सस्पिशन हो, उसके एक्यूज होने के चांसेस हो, ऐसा कोई ग्राउंड नज़र नहीं आता है या ऐसा कोई क्या कहते हैं उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिलता है, तो वो क्या करना है उसको, उसको बॉन्ड भरवा लेना है एक्यूज से। और इस दौरान एक्यूज क्या है, गिरफ्तार किया हुआ है एक्यूज को, एक्यूज है कस्टडी में है, उसको उससे क्या करवाना है, उससे बॉन्ड भरवा लेना है और उसको छोड़ देना है। ओके, एकदम सिंपल चीजें हैं, कहीं कोई बहुत ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल चीज है, हम एक एक करके कोड डिकोड करते चलते हैं सेक्शन को, समझते चलिएगा प्रोसीजर में। फिर से इसको पढ़ देते हैं, अब मोटा सेक्शन में क्या लिखा हुआ पढ़ देते हैं, आप ध्यान समझिएगा। देयर इज नो सफिशियंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन टू जस्टिफाई फॉरवर्डिंग द एक्यूज टू द मजिस्ट्रेट, ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है जिससे यह लगे कि इसको मजिस्ट्रेट के सामने भेजना चाहिए, जाना चाहिए मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करें ये चीजें। सच ऑफिसर सेल रिलीज सच पर्सन इन कस्टडी ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड विद और विदाउट सियोरिटीज एंड डायरेक्ट हिम टू अपीयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट इन पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। बॉन्ड भरवा लेगा और बॉन्ड में क्या लिखा रहता आपको बताए ही हैं, बॉन्ड में लिखा रहेगा कि मजिस्ट्रेट को अगर लगेगा कभी, जिस मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है, तो उस कंडीशन में अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि उस आदमी को अपीयर होना है तो वह अपीयर होगा, इस बात का क्या करवा लेगा, वह बॉन्ड भरवा लेगा पुलिस और उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। यह आपका सेक्शन 169 कहता है, क्लियर। हाँ, अब आइए सेक्शन 170 170। 169 में क्या हुआ, कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई उस पर ऐसा कोई ग्राउंड नहीं नजर आया जिससे कि उसको हम गिरफ्तार करके रख सके, जेल में रख सके, ऐसा कोई ग्राउंड नजर नहीं आया। 170 क्या कहता है, अगर एविडेंस सफिशियंट है उसके खिलाफ, अगर एविडेंस है उसके खिलाफ तब क्या होगा, तो 170 में लिखा हुआ ये चीजें कि इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशियंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ एक्यूज टू ए मजिस्ट्रेट, ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है एविडेंस है मेरे पास इस एक्यूज के खिलाफ, या इस पर सस्पिशन जो है शक सुबह किया जा सकता है, इस पर इसको मजिस्ट्रेट का मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जा सकता है, एक्यूज को भेजा जा सकता है। सच ऑफिसर सेल फॉरवर्ड द एक्यूज टू द मजिस्ट्रेट इम पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, क्या करेगा उसको, जिस मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार रहेगा कॉग्निजेंस लेने का उस ऑफेंस का, उसके पास उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो अब मजिस्ट्रेट साहब के पास तो आगे का कहानी आप लोग जानते ही हैं, अगर बेलेबल ऑफेंस होगा तो मजिस्ट्रेट साहब बेल देंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा तो उसका फिर अलग ट्रीटमेंट है, ये सब तो आप लोग पढ़े ही हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस पढ़े ही हैं, या बेल में फिर आगे जाके पढ़ेंगे कि किस किस कंडीशन में बेल मिलना है, किस किस कंडीशन में बेल नहीं मिलना है। ठीक है, क्लियर यहां तक, 170 क्लियर सेक्शन। हाँ, 169 में बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा, उसको छोड़ देगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान,
कोई सस्पिशन का कोई ग्राउंड नज़र नहीं आया है। 170 में है कि ऐसा कोई ग्राउंड नज़र आएगा या एविडेंस मिलेगा तो उसको मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देना है, बस हो गया। अब आइए सेक्शन 171, कुछ नहीं है, किसी काम का चीज़ नहीं है सेक्शन, ये सब सेक्शन सब कोई काम का चीज़ नहीं है। कंप्लेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड ए कंपनी पुलिस ऑफिसर और नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेन, नो कंप्लेंट और विटनेसेस ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू ए कंपनी पुलिस ऑफिसर और शैल बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिस्ट्रेन और इनकन्वीनियंस टू रिक्वायर टू गिव एनी सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस अदर देन हिज ऑन बॉन्ड, प्रोवाइड दैट इफ एनी कंप्लेंट विटनेस रिफ्यूज टू अटेंड और एक्यूज बॉन्ड। चलिए ठीक है, ये भी कोई खास बात नहीं इसमें भी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन से है भी नहीं, ठीक है ना। कहता है कि इसमें सिंपल सा 170 जो आपको सॉरी 171 जो कह रहा है कंप्लेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है उस वक्त, ठीक है ना, उस वक्त उसका हमको विटनेस फिटनेस नहीं करवाना होता है, उस वक्त कुछ नहीं करवाना होता है। चलिए आपका 171 जाने दीजिए। 172 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 172 जो इंपॉर्टेंट है हम बताते चल रहे हैं। सेक्शन 172 के सामने आप लोग लिख लीजिए, ये आपका केस डायरी है, आप लोग इसे वर्डोलॉजी ध्यान रखिएगा, केस डायरी, केस डायरी और पुलिस डायरी, इसको केस डायरी बोलते हैं या पुलिस डायरी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। सेक्शन 172 इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीडिंग्स होता है ना, पुलिस जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है उसको क्या करती है, उसको मेंटेन करती है, उसको रजिस्टर में मेंटेन करती है, डायरी में मेंटेन करती है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन द डायरी इज नोन एज केस डायरी और पुलिस डायरी, ये आपको कह रहा है सेक्शन 172 कह रहा है। और ये मस्ट बी मेंटेन्ड एंड रेगुलेट होना, ये होना चाहिए। पुलिस डायरी मांगती है, ठीक ना, केस डायरी मांगती है, आप लोग सुनते होंगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, द केस डायरी मस्ट बी मेंटेन इन रेगुलर मैनर एंड डे बाय डे इंट्रीज ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी मेड इन इट, ये मतलब रेगुलर बेसिस पर ये मेंटेन होते रहना चाहिए कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन किए। आप लोग कभी पूरी केस डायरी पढ़िएगा, पुलिस डायरी पढ़िएगा कभी, अगर तो लिखा रहेगा कि इस डेट को ये किए, इस डेट को गए थे, इस आदमी से पूछे, ठीक है ना, हम जब गए वहाँ पे तो देखे क्या कि एक आदमी रेड शर्ट में बैठा हुआ था, मुझसे पूछताछ किए, गांव का मुखिया था, इस तरह से लिखा हुआ रहता है पूरा, समझे। सुप्रिया अर्पणा सुबंदनाथ, हाँ तो ये याद रखिएगा, केस डायरी एंड पुलिस डायरी, इसका क्या ऑब्जेक्ट है। ये तो 72 हम लोग केस डायरी पढ़ते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, पुलिस डायरी पर शायद आई थिंक मेंस का क्वेश्चन हो, हाँ ये मेंस के लिए क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट नोट्स में, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा जो पूछा गया है एग्जाम में, राइट ब्रीफ नोट ऑन केस डायरी। एक बार पूछा गया व्हाट इज द स्कोप एंड नेचर ऑफ केस डायरी टू बी केप्ट अंडर सेक्शन 172 ऑफ CRPC एंड द लिमिटेशन इम्पोज ऑन इट्स यूज इफ एनी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है केस डायरी पे। तो सबसे पहले आप लोग जो केस डायरी का जो अभी डिफिनेशन बताए थे, ये केस डायरी को डिफाइन करेंगे सेक्शन 172 के हिसाब से, क्या कहा गया है इसमें हम पढ़ देते हैं, ध्यान सुनिएगा। सेक्शन 172 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन द डायरी इज नोन एज केस डायरी और पुलिस डायरी, ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। या मस्ट बी मेंटेन एंड, ठीक है ना, इन रेगुलर बेसिस, आप रेगुलर मैनर में इसको क्या करेंगे, डे टू डे आप इसको एंट्री करेंगे इसमें केस डायरी में, ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, क्यों बोला है ऐसा करने के लिए, ऐसा क्यों बोला है करने के लिए, बताइए जरा, गेस कीजिए, केस डायरी क्यों कहा था प्रिपेयर करने के लिए। हाँ तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में हो जाता है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए था ही ना, हाँ हाँ ठीक, हाँ
मेमोरी को रिफ्रेश वगैरह सब करने के लिए वगैरह सब, जब फिर ट्रायल चलेगा तो क्या हुआ ये बात दिमाग से स्लिप ना हो जाए क्या? हाँ 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 इसका हाँ इसका एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट इसका ऑब्जेक्ट जो है हम बताते हैं, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। द हाँ एक ही और बोलते हैं इंग्लिश का और बोल रहे हैं ओ आर और, पुलिस डायरी या केस डायरी, जब हिंदी बोलते हैं तो या बोलना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, हिंदी का और नहीं, समझे? हाँ क्लियर। हाँ पुलिस डायरी और ओ आर और केस डायरी। द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस मेंटेन सच डायरी, ठीक है, इज टू इनेबल द कोर्ट टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेंड फ्रॉम डे टू डे बाय इन्वेस्टिगेशन। किस किस तरह का आप जो है इन्वेस्टिगेशन किए हैं डे बाय डे, क्या इन्फॉर्मेशन आप जमा किए हैं, ये अंशु बोली भी इस बात को कि सबूत जमा किए, क्या क्या आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए, क्या इन्वेस्टिगेशन किए, ठीक है ना, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके द्वारा क्या किया गया, ये जानकारी कोर्ट को मिलता है उसके तहत, ठीक है ना, एंड व्हाट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, आर वेयर फॉलोड, ये सब चीज़ें उससे मिलती है किस डायरी से, आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए, क्या क्या पूछे, किससे पूछे, ठीक है ना, इसीलिए इससे हम लोग इसको ये करवाते हैं, इसको मेंटेन करवाया जाता है, किस डायरी को रिटेन करवाया जाता है, लिखवाया जाता है, इसको लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए उसका, द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनिंग सच डायरी इज टू इनेबल द कोर्ट टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेंड From day to day, enable enable का अलग मतलब होता है, enable the court to know know what information was obtained from डे टू डे बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड व्हाट लाइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर फॉलोड WERE followed, FOLLOWED और जैसा कि राहुल बताया था वो उसमें वो क्या करें वो कुछ ऐड ना करें, हटा ना सके, जोड़ ना सके, ठीक है ना, ट्रांसफर एंड व्हाट लाइन LINES ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेयर फॉलोड, यह जो है यह ट्रांसपेरेंसी लाता है, इट इज मेंटेन फेयरनेस इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, यही इसका ऑब्जेक्ट है। ओके इसीलिए देखते होंगे कि जब जाते होंगे एफआईआर वगैरह सब करवाने के लिए ना पुलिस लेने से मना करता है, नहीं लेने से मना करता है ना, कारण यही है कि उसको बहुत उसमें लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको आप क्या किए सबसे रोज जो है उसको अप टू डेट करना पड़ता है उस डायरी को। ओके इस पर एक केस है, केस लिख लीजिए आप लोग, बड़ा अच्छा केस है, क्वीन इंप्रेस वर्सेस मन्नू,
ठीक है, विन इम्प्रेस वर्सेस मुन्नू, ये है आपको अलाहाबाद हाई कोर्ट का है 390। क्वीन इम्प्रेस, क्वीन इम्प्रेस EMPRESS वर्सेस मन्नू MANU। इसमें इसी चीज के बारे में जो भी बताए वही चीज लिखा हुआ है इसमें। हाँ, इसका मेरे पास साइटेशन में इसमें नहीं लिखा हुआ है, मेरे पास ऐसे ही लिखा हुआ है, नहीं है। ये अलाहाबाद हाई कोर्ट का है केस, पेज नंबर 390, ILR लॉ जर्नल, लॉ रिपोर्टर, देख लो, ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आपका देखिएगा सब सेक्शन 1A 1B मिला, 1A 1B, सब सेक्शन 1A 1B। में ही आगे ...2008 में ये जो है इंसर्ट हुआ है अमेंडमेंट, CRPC अमेंडमेंट 2008, और 2009 में इससे ये जो है इंसर्ट बाय एक्ट 5 ऑफ 2009। देखिए लिखा हुआ होगा नीचे, देख लीजिएगा इसको। इसमें जो हम लोग विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जो हम लोग जो पहले भी पढ़े हैं सेक्शन 161 में पढ़े हैं ना, 161 का बयान से बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं आप लोग को, स्टेटमेंट वगैरह सब। 1A एंड 1B जो कह रहा है दैट द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी एंड द डायरी शैल बी वॉल्यूम एंड वो पेजिनेटेड किया हुआ रहता है, पेज पेज वाइज लिखा रहता है उसमें, एक एक विटनेस का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो स्टेटमेंट विटनेस का लिया जाता है, 161 का जो बयान हम लोग पढ़े थे, याद है कि नहीं, याद है? हाँ, भूलिएगा नहीं। चलिए 172 में एक दो केस बहुत अच्छा और एक केस बताते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, चूंकि अब क्वेश्चन पूछा गया है इसको देख लीजिएगा 172 का। इसमें केस है मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साइटेशन नहीं पूछिएगा, साइटेशन इसका हम जो अपने में लिखे हुए हैं उसमें साइटेशन नहीं अनमेंशन किए हुए हैं। कौन सा पेज नंबर इसका, इसका साइटेशन, साइटेशन नहीं लिखा हुआ है मेरे पास। हाँ, केस का है, केस का नाम है मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नहीं नहीं नहीं, साइटेशन नहीं है, वही तो हम भी बोल रहे हैं, साइटेशन नहीं है, ईयर का साइटेशन नहीं है। हाँ, ढूंढना पड़ेगा हमको, हम तो अपने में लिखे थे कहीं पे, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, काम का क्या बात है वो बता देते हैं आप, यानी एक्यूज जो है वह केस डायरी का डिमांड नहीं कर सकता है, ये मुकुंद लाल वाले मामले में, ठीक है ना। नाइदर द एक्यूज नोर हिज एजेंट इज इंटाइटल टू कोर्ट टू कॉल फॉर ए केस डायरी, एक्यूज के यूज की चीज नहीं है केस डायरी, ठीक है। ये जो पुलिस डायरी है वो एक्यूज के लिए नहीं है, वो एक्यूज का डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कोर्ट की चीज है, कोर्ट को इसको इससे इंक्वायरी में फायदा मिलता है, कोर्ट के लिए चीज है ये, ठीक है ना। चलिए और इसमें काम की चीजें अब देखिए इसमें क्या क्या चीज बड़ा अच्छा चीज 172 को हम और एलोबरेट थोड़ा सा कर देते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर
टू इंटर डे बाय डे हिज प्रोसीडिंग्स इन हिज डायरी, ठीक है ना। क्या क्या चीज उसमें रहेगा देखिएगा, समझिएगा इसमें। द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रीच द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, द टाइम एट विच ही बिगेन टू क्लोज हिज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। द प्लेसेस ही विजिटेड, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस एसर्टेन थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, 161 का जो अभी पढ़े थे हम, ठीक है ना। ये सब चीज मेंशन रहता है उसमें, बोले ना कि जिस दिन से उसको इन्फॉर्मेशन मिला और वो क्या किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, और तो कहाँ कहाँ गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, किससे किससे पूछा, उसने क्या क्या कहा, किस दिन हम इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किए, ये सारा मेंशन रहेगा इसमें, किस डायरी में। ओके, क्लियर, चलिए। सब सेक्शन टू, ठीक है, सुनिएगा, बड़ा अच्छा चीज है ये, सिंपल सी इतनी सी बात कह रहा है। 172 सब सेक्शन 2 कह रहा है, ये जो डायरी है नॉट बी यूज एज एविडेंस, द कोड प्रोवाइड्स दैट एनी क्रिमिनल कोर्ट कैन सेंड फॉर द पुलिस ऑफिसर डायरी ऑफ ए केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एन एविडेंस इन द केस बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। पहले भी, जस्ट कुछ दिन पहले भी हम ये चीज बोले हैं कि इसका इस्तेमाल जो होगा, ये कोर्ट के इस्तेमाल की चीज है, वो इंक्वायरी के लिए ट्रायल के लिए काम होगा, लेकिन एविडेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। हम लोग बार बार इस बात जिक्र करते हैं ना कि आप जो बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उसका क्या एविडेंट्री वैल्यू है, समझाए हैं आप लोगों को, वहां तो क्रॉस एग्जामिनेशन से बनता है बात ना, ऐसा नहीं कि पुलिस को जो बयान दे दिया वो एकदम अंतिम सत्य हो गया, विटनेस जो बोल दिया वो अंतिम सत्य हो गया, ये सब चीज बता चुके हैं आप लोगों को कि आप जो स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड करवाए ये कोरोबरेट करने के लिए होता है, कंट्राडिक्ट को क्लियर करने के लिए होता है, क्योंकि वहां पे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आपको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज समझा चुके हैं किस तरह से प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट में, आप एग्जामिनेशन चीफ पढ़ेंगे, एविडेंस एक्ट में पढ़ाए हैं आप लोगों को, एग्जामिनेशन चीफ आप या तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आएंगे विटनेस बनकर, या एविडेंस क्या कहते हैं एक्यूज की तरफ से आएंगे, डिफेंस की तरफ से आएंगे, आप अपना स्टेटमेंट देंगे, अगर अपोजिट लॉयर को लगेगा क्रॉस एग्जामिन करने तो क्रॉस एग्जामिन करेगा, कोई स्टेटमेंट आप दे चुके हैं पहले उसमें किसी तरह का कंट्राडिक्ट होगा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा आपको, ये इसका मतलब बनता है, ये पुलिस के मतलब कोर्ट की इंक्वायरी के लिए ये चीजें हैं, एविडेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं करना है इसको, क्लियर। एक इस केस में देखिए, इसमें एक बड़ा अच्छा चीज लिखा भी है, शमसुल कनवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1995 का केस है, एक केस हम पढ़ देते हैं इसके रिगार्डिंग, सुन लीजिएगा, केस लिख लीजिए, शमसुल कनवार SHAMSHUL कनवार KANWAR कनवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, शमसुल कनवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 1995 का केस है, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1748 शमसुल कनवार SHAMSHUL शमसुल कनवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब देखिए सुनिएगा, जितनी बातें बोले हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनिएगा, ऑब्जर्वेशन सुनिएगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ यूज ऑफ केस डायरी,
क्या स्कोप है, क्या यूज है केस डायरी के बारे में, उसको एक्सप्लेन किया है इस केस में। द कोर्ट हेल्ड दैट द केस डायरी इज नॉट ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, द कोर्ट इज इंटाइटल एट द ट्रायल और इंक्वायरी टू यूज द डायरी नॉट एज एन एविडेंस बट एज एन एड टू इट इन इंक्वायरी और ट्रायल। ओनली राइट देयर अंडर इज दैट इफ द पुलिस ऑफिसर हु मेड एंट्रीज इन द डायरी यूज इट फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेशिंग द मेमोरी, यही चीज पहले भी आप लोग को बताए थे, रिफ्रेशिंग द मेमोरी और कंट्राडिक्टिंग सच विटनेस देन द बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 161 एंड 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्यूज्ड विल बी इंटाइटल टू रेफर टू इट। इसका इस्तेमाल बस इतना ही है, किसी तरह से कंट्राडिक्ट, आप एक स्टेटमेंट दिए आगे पहले कभी, अब फिर आप उससे स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो उसको रिफ्रेश करने के लिए है। अरे आप तो बोले थे कि वो क्या कहते हैं उसके हाथ में हम जो है बंदूक देखे थे, अभी आप बोल रहे हैं कुछ नहीं देखे थे। तो इस तरह का जो कंट्राडिक्शन होता है, ठीक है ना, जो कोरोबरेट हम लोग करते हैं जब इस तरह, उसमें यह काम आता है, ठीक है ना, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि ट्रायल बहुत लंबा चलता है। एक विटनेस अभी कुछ बोला मान लीजिए और कोर्ट में जाके कुछ और बोल रहा है, तो आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे ट्रायल वगैरह सब प्रोसीडिंग्स, मूवी सब बहुत दिखाता है, तो जो आपका एडवोकेट होता है वो पढ़ के सुनाता है कि हम आपका स्टेटमेंट जो दिए थे हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको, सुनिए ये आपका स्टेटमेंट है, तो पढ़ के सुनाता है, रिफ्रेश द मेमोरी, समझे, कि आपने ऐसा बात कहा था उस समय, ओके तो ये उसके उस पर्पज के लिए है यह, बाकी इसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना है इसको, क्लियर। बोलिएगा, चलिए अब, हाँ अब इसका इसमें कुछ है नहीं आपको। अब नेक्स्ट हम लोग सेक्शन आते हैं, अब आइए सेक्शन 173। ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है 173। आप लोग दो तीन टर्मोलॉजी जरूर सुने होंगे, एक तो चार्जशीट बोल दिए आप लोग, चार्जशीट सुने होंगे आप लोग, चालान सुने होंगे, फाइनल रिपोर्ट सुने होंगे, क्लोजर रिपोर्ट सुने होंगे। आईसी हत्याकांड में इसे बहुत फेमस हुआ था, इसे वर्डोलॉजी, पुलिस जो है क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, सुने हैं ना, इसे वर्डोलॉजी सुने हैं आप लोग, आसे पलक रहे हैं। अब देखिए आपको 173 डील कर रहा है इसको, ठीक है, हम पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्लोजर रिपोर्ट वगैरह सब क्या होता है। आप लोग वो आईसी हत्याकांड में आप लोग सुने होंगे कि पुलिस क्या सबसे पहले क्या किया, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, ठीक है ना, क्लोजर रिपोर्ट में है, क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ नहीं मिला, इसके आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पुलिस यही कहना चाहा कि हमको एक्यूज पकड़ में नहीं आया, ठीक है ना, कुछ हमको मिला नहीं, कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ, ऑफेंस कहीं कुछ पता नहीं चला हमको, हम क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। तो आप लोग सुने होंगे कि कोर्ट बहुत फटकारा, कहा कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर उठाइए तब किसी को एक्यूज को लाइए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस समझते ही हैं आप लोग, अब सुनिएगा 173। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। आपको जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर लेना है, बता दिए हैं 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, सब तो नियम पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। अब देखिए सुनिएगा, इसमें आप लोग इसको कहीं पे देख लीजिएगा, सच पुलिस रिपोर्ट, ठीक है ना, इफ इट इज डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, अगर किसी पुलिस रिपोर्ट में अगर ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन किया उसे जो एविडेंस मिला उसको, एक्यूज के बारे में सस्पिशन क्रिएट हुआ, ये सब चीज अगर आ रहा है उस पुलिस रिपोर्ट में, उसको हम लोग चार्जशीट बोलते हैं या चलान बोलते हैं, इज नोन एज चार्जशीट और चलान, ओके हाँ 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 बिल्कुल
बोलते चालान जमा किए हैं चालान, ठीक है, या चार्जशीट। अगर किसी भी तरह के ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, अगर पुलिस रिपोर्ट ऐसा है इफ डज नॉट डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तब इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया पुलिस कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है नहीं करना है, हम लोग अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर? हाँ, ये आपको 173 जो है डील कर रहा है, सेक्शन 173 का सब सेक्शन 1 किस बारे में बात कर रहा है, सब सेक्शन 1 कह रहा है हाँ जहां से कोई कमीशन जो है वो डिस्क्लोज ही नहीं हो रहा है, हम तो इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, ऑफेंस तो हुआ, ध्यान समझिएगा, ऑफेंस तो अपराध हुआ, लेकिन हमको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि अपराधी कौन है, तो हम किसको पकड़ेंगे, किसके खिलाफ हम चार्जशीट बनाकर देंगे आपको, बात समझ रहे हैं? इसलिए आयुषी हत्याकांड का जो हम आप लोगों को बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप लोग अगर उस केस को स्टडी किए होंगे उसमें देख ही रहे होंगे कि एक जो नौकर मारा गया था, सुने थे किस केस किए नहीं आप लोग, आयुषी मर्डर केस, हाँ हाँ, एक डॉक्टर दंपति था, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, उसकी बेटी और इसका एक नौकर, और कौन था, कौन तलवार था वो, हाँ डॉक्टर फादर मदर का नाम जो था कुछ, रमेश तलवार, राकेश तलवार, इस तरह से नाम था कुछ, ठीक है ना, वही वाला मामला है ना राहुल, हाँ उसमें उसमें उसका नौकर भी, नौकर का भी लाश मिला टंकी के पास, ठीक है, ये दैट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं था, तो यही चीज ना बता रहे थे अभी आप लोग को कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन की उसमें, तो उसमें डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं था, क्योंकि पहला शक नौकर पे गया था, लेकिन नौकर की भी लाश मिली टंकी के पास, दरवाजा बाहर से बंद था, अंदर किसी के आने के फुटप्रिंट नहीं थे, बाप क्यों मारेगा बेटी को, बाप मदर और फादर मिलके, इसका कोई जो है वो नहीं मिल रहा था, मोटो नहीं मिल रहा था, क्यों मारेगा, कुछ इस तरह के वहाँ पे जो है इक्विपमेंट हथियार नहीं पाए गए थे, ठीक है ना, बाहर जान, हाँ बिल्कुल, हाँ वही तो बोल रहे हैं, तो पुलिस लगा दी क्लोजर रिपोर्ट कि नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब कोर्ट फटकार लगाया तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर जो है क्या किया, फादर मदर को अरेस्ट किया गया था, ठीक है ना, यही क्लोजर रिपोर्ट है और वही चार्जशीट है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्रिएट किया गया कि ये सब हो सकता है इसमें, इस तरह से समझे, क्लोजर रिपोर्ट में हाँ कुछ एविडेंस इस तरह का नहीं मिलता जिसके अगेंस्ट में आप चार्जशीट बनाकर दे सकें कोर्ट को, चार्जशीट में है, हाँ हाँ अगर उसमें ऑफेंस क्रिएट हो रहा है तो समझे, हाँ और हाँ बात ही खत्म हो गया, क्लोजर रिपोर्ट में बात ही खत्म हो गया, जो पुलिस रिपोर्ट दिया हाँ हाँ बिल्कुल, केस डायरी को जमा किया, वही उसी के आगे तो पढ़ रहे हैं उसको, हाँ उसी को चार्जशीट बोलते हैं जहाँ पे ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, जिसमें कमीशन ऑफ ऑफेंस डिस्क्लोज किए जिसमें हम, ठीक है पुलिस रिपोर्ट दिए हम लोग बना के अभी, ठीक है ना, वही तो पढ़ के अभी आए, हाँ 173 सब सेक्शन 1 कह रहा है कि अननेसेसरी डिले नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में आप, ये 173 सब सेक्शन 1 कह रहा है। ओके, इसके बाद 173(1)(a) जिसको कि 2008 का जो अमेंडमेंट है उस पर इसको इंसर्ट किया गया था, इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू रेप ऑफ चाइल्ड मे बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा,
173 1A जो है, कौन कौन सा ऑफेंस है इसमें देखिएगा, द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 376A 376AB 376B वगैरह आईपीसी का वो जो सेक्शन है, शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ विच द इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, 2 months है, सॉरी विद इन 2 months है ना, हाँ 2 months, इसमें गलत लिखा है, 2 months है, 60 दिन, 2 months 60 दिन हुआ, 60 days, ओके अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, आईपीसी का अगर ये सब ऑफेंस है, ये जानते ही ऑफेंस में क्या चीज है, ये रेप वगैरह सब है अगेंस्ट फीमेल है ये ऑफेंस सारा, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें कहता है कि इन्वेस्टिगेशन आपका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 months के दौरान, 60 days, उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है कि वही जो हम लोग पढ़े, एज सुन एज इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सेल फॉरवर्ड टू ए मजिस्ट्रेट इम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, ए रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो फॉर्मेट बना हुआ है उस तरीके से देना है, नेम ऑफ द पार्टी, पार्टी का नाम, ठीक है, नेम ऑफ इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ द पर्सन एक्विटेड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय हूम, वेदर द एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, एक्यूज्ड को आप कहां से गिरफ्तार किए, वेदर द एक्यूज्ड हैज बीन रिलीज ऑन हिज बॉन्ड, क्या एक्यूज्ड को बॉन्ड पर रिलीज किया गया है, इफ सो वेदर विद और विदाउट सिक्योरिटीज, ये सब सारा मेंशन किया जाता है उसमें, ओके या 170 में जो कस्टडी है वो उसको उस, जो कस्टडी पर है अभी आपको पुलिस कस्टडी, क्या उसको कस्टडी दिया गया है, वो सारा चीज इसमें रहेगा लिखा हुआ, ठीक है ना, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शुड ऑल्सो कम्युनिकेट द एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन बाय होम द इन्फॉर्मेशन वॉज फर्स्ट गिवेन, वेयर द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158 द रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड थ्रू द ऑफिसर इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एंड पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, सच सुपीरियर ऑफिसर मे डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये सब सारा चीज लिखा हुआ आपको 71-73 में, 154 में आपका देख लिए थे, आगे पढ़ लीजिए इसको, इस सेक्शन को सब कर चुके हैं हम लोग, इसमें कुछ काम की चीज़ें अभी है कि नहीं वो देख लेते हैं आप लोगों के लिए, 173 में कुछ है नहीं, चलिए ये भी है, इसमें एक दो केस है, इसमें हम लोग जो है ना आगे आप कल करेंगे इसको, ठीक है, इसमें एक दो केस है, बड़ा हो जाएगा क्लास में, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू कल कंटिन्यू करें।